इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। मेडिकल कैंप स्टार्ट करने का यही था, ये लोग अपने घर से बाहर आए बिना झिझक, और खांसी हो या सर्दी हो या कोई भी तकलीफ हो आके डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि उन लोग डॉक्टर के पास ही जाने के लिए डर रहे हैं, कितना हॉस्पिटल में डाल देंगे। और पूरी हमारी टीम ने एक ही फैसला किया था स्टार्टिंग से, या मेडिकल का हो या बैरियर हो, या कोई धर्म कोई जात कोई कौम कोई भाषिक, हम ये नहीं देखेंगे। दवाइयाँ भी जिसको छोड़ से नहीं है अंजुमन से उनको सहूलतें करके दे रहे हैं। हमारी जो बड़ी टीम है, हमारे अमजद भाई हैं, अमूल भाई हैं, अशफाक भाई हैं, कब्रिस्तान में या छोटे रिश्तेदार जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने खुद शहर के कब्रिस्तान में दफनाए, क्रिमेटोरियम में जाके जो गैर मुसलमान थे मशाद में जाके वहाँ पे भी जाके काम किया, क्रिश्चियन की ग्रेवियर्ड में भी जाके काम किया, और यहाँ भी हमें बुलाया गया हमारी टीम से। हम एक इंसानियत के नाते वहाँ जाके अपना काम पूरा करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माली मोहल्ला जमात की जानिब से और अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप यहाँ मुनक्कद किया गया। मेडिकल कैंप रखने का मकसद यह है कि एक कोरोना वायरस बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि हर जो पेशेंट्स हैं सर्दी बुखार खांसी वो जो है यहाँ पर आए अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है इसका सिम्टम्स है सर्दी बुखार खांसी वगैरह, इससे कोई तकलीफदार होता नहीं है। ये कोई कोरोना वायरस के इस सिलसिले में यहाँ पर मेडिकल कैंप मुनक्कद नहीं किया गया है, मोहल्ले का वो हर फर्द जो है यहाँ आए और उसका भरपूर फ़ायदा उठा ले। अंजुमन इस्लाम का खुदा भला करे कि अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब मोहतरम आसिफ नूरुद्दीन उर्फ राजू सेठ ने और उनके शरीकेकार अंजुमन की पूरी टीम ने इस अहम ज़िम्मेदारी की जानिब तवज्जो की, और फिर उन्होंने बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में और फिर शहर से निकलकर मुख्तलिफ तालुकाजात में इसी तरह के मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का अहतमाम किया, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी जैसे मुझसे पेशतर साबिक कारपोरेटर जनाब मोहम्मद रसूल फिरजादे ने तफसीलन बताई कि अंजुमन ने ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टरों के सही मशवरे लिए, ज़रूरत के वक्त फ्री में ऑक्सीजन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी उठाई, दूसरे मशवरे और जहां जहां हॉस्पिटल में इंतज़ाम की ज़रूरत पड़ी सारी ज़िम्मेदारियों को अंजुमन इस्लाम ने बड़ी हुसन व खूबी के साथ निभाया, और इस सिलसिले में बड़ा ताउन रहा शहर बेलगाम के डॉक्टरों का। क्या ऐसे मौके पर जान बहरहाल जान है, चाहे एक आम इंसान की हो डॉक्टर की हो। हमने बहुत से शहरों में देखा कि डॉक्टरों ने अपनी जान बचाने की खातिर अपने डिस्पेंसरियां बंद कर दिए, ड्यूटी से गैर हाजिर रहने लगे, लेकिन बड़ी दिल जमी के साथ बेलगाम के डॉक्टरों ने भी इस सिलसिले में तन मन धन देकर उन्होंने लोगों की जान बचाने की फिक्र की। उसी सिलसिले की आज ये एक कड़ी है। बड़े तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िला अंजुमन बेलगाम और ख़ासकर इन डॉक्टरों का, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है आज कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तफसील से अभी हमारे जमात के पंचायत कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद पीरजादे और हमारे मुफ्ती साहब ने जो है पूरा तफसील से जो है यहाँ पर आपके सामने चंद बातें रखी, बस मैं
उसी को जो है दो शेर में जो है ख़त्म करता हूँ। यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, इधर आबे जमजम है इधर उधर गंगा जल है। सबका खून लाल होता है, सबका खून लाल होता है, फिर कहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। कुरान का तुम अदब करो गीता का हम करें, कुरान का तुम अदब करो गीता का हम करें, मुश्किल हम एक दूजे की आसान करेंगे। तो मैं आज का जो मकसद है हमारा इन सब का यही है कि हम यहाँ पर सब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबको दावत दे रहे हैं और सब जो है इसका फैज़ सबको इसका फैज़ मिल रहा है। और मैं आखिर में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत बड़ा यानी शुक्र है कि हम लोग एक खिदमत का काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब फिरोज सेठ सर का और अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम का और जितने भी उसके मेम्बरान हैं उन सब का और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं और हमारे फोर्ट रोड जमात का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये होगा कि जो लोगों में डर और खौफ है इंशाल्लाह उससे धीरे धीरे यानी ऐसे प्रोग्राम्स होने की वजह से जो है फ़ायदा होगा लोगों को। तो ऐसे प्रोग्राम अक्सर होते रहें जिससे लोगों का डर और खौफ निकल जाए। हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, थोड़े बहुत यानी साजगार हो रहे हैं लेकिन अभी तक पूरे हालात जो है कंट्रोल में नहीं है। तो इस वजह से जो भी है यानी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट से जो भी अहकाम नाजिर दिए हैं उन्होंने कि मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग करना इसका ख्याल रखें और ये बहुत ज़रूरी है वरना बीमारी पे जो थोड़ा बहुत जो कंट्रोल आ रहा है वो और बढ़ता ही जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में लोग जो है इसके बारे में ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारह इमाम अली मोहल्ले की तरफ से जो है एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। ऐसे बहुत सारे कैंप्स जो है अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऐसे कैंप कंडक्ट हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो कुछ भी जो है लोगों में जो डर है जो खौफ है वो जो निकल रहा है, जो लोग सर्दी खांसी बुखार लेकर अपने घरों में बैठ रहे हैं वो इस कैंप फ्री कैंप की वजह से दिखाने आ रहे हैं। तो अर्ली डिटेक्शन अगर होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट की वजह से जो है उसका फ़ायदा बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा अंजुमन इस्लाम की जानिब से हो रहा है और ऐसे ही ये सिलसिला बहुत दिनों से महीनों से चलता रहा था। तो ये सिलसिला आज आकर जो है इमाम अली मोहल्ले में जो है इन्हें फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की टीम का और बारह इमाम अली मोहल्ले की जमात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पे अंजुमन इस्लाम की जानिब से जो कैंप फ्री कैंप रखा गया है इसका मेन मकसद यही है कि लोगों के दिलों से ये जो खौफ डर जो है इसका कोरोना का ये पूरी तरह से मिट जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी कैंप हो चुके हैं जो कोशिशें अंजुमन की जानिब से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। और अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे और उनकी जो भी कोशिशें हो रही हैं पेशेंट्स की जानिब से लेके बीमारी के ताल्लुक से लेके अल्लाह ताला उसे पूरी तरह से कामयाबी अता करे। और यहाँ डॉक्टर्स को इस काम के लिए इस खिदमत के लिए बुलाने के लिए और हमारा ताउन इस अच्छे नेक काम में रखने के लिए मैं तमाम से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे हम लोग आज कैंप अरेंज किए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, इसलिए सब मुस्लिम कम्युनिटी और तमाम जो कम्युनिटी है इंडिया में उनको हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अंजुमन इस्लाम डिस्ट्रिक्ट बेळगावच्या वतीनं जो का आज मेडिकल कैम्प इथं आयोजित केलेला आहे आणि एक चांगली संकल्पना इथं बेळगावमध्ये रुजू केलेली आहे। कोविड-19 संदर्भात माणसामाणसामध्ये एक भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आज एकमेकाची नातेगोती सर्व बाजूला ठेवून एक घबराटाचं वातावरण प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झालेलं आहे। अशा वेळी माणसाची शंका अशंका दूर करण्यासाठी ह्या संस्थेनं जे पाऊल उचललेलं आहे ते उचित पाऊल आहे आणि चांगलं आहे। आणि मी आता बघतो आहे सकाळपासून डॉक्टर लोकांची टीम अगदी मनापासून इथं काम करते आहे आणि या कामी सर्व धर्मियांनीही चांगला साथ दिलेली आहे आणि असंच या संस्थेमार्फत यापूर्वीसुद्धा त्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे आणि अशीच त्यांची संस्था जनतेच्या रुजू व्हावी आणि जनतेची सेवा करावी
आणि त्यांच्या पुढील कार्यासाठी मी शुभेच्छा देतो. क्विट 19 का आज 27 सितंबर 2020 आज सुबह 10:30 बजे से फ्री मेडिकल कैंप अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के जानिब से और 12 इमाम माली मोहल्ला जमात फोर्ट और यंग कमेटी के जानिब से फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है. एक क्विट 19 एक ऐसी बीमारी है इसको बहुत टाइम नहीं देती है बीमारी. जिसको भी खांसी हो बुखार हो सर्दी हो वो इमीजिएटली दिखाया जाए क्योंकि ये बीमारी से अफवाह बहुत हो गई थी खतरनाक बीमारी है बोल के ये लोग डर रहे थे ये बीमारी को दिखाने के लिए. ये बहुत सारे लोग जून जुलाई अगस्त में इंतकाल हो गए क्योंकि लोगों के दिल में ये बीमारी की दहशत बैठ गई थी. शियोल हॉस्पिटल के अंदर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे. बहुत सारे लोग शियोल हॉस्पिटल में भेज देते थे. ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ये कर्नाटक हुकूमत ने पूरे बाहर के हॉस्पिटल बंद रखा गया था. उनका क्या मंशा था मालूम नहीं क्योंकि बाहर के हॉस्पिटल ये जो जून जुलाई अगस्त ये सर्दी खांसी बुखार का सीज़न रहता है हर साल ये सीज़न रहता है. ये सीज़न में हर एक लोग को खांसी होती है बुखार होती है सर्दी होती है फ्लू होता है टाइफॉइड होता है. इसकी इमीडिएट दवा मिलने के साथ आदमी 2-4 दिन में ठीक हो जाता है. इन्होंने सब बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के पूरे हॉस्पिटल बाहर के ये गवर्नमेंट ने बंद रखी थी खाली शियोल हॉस्पिटल ही उतना ओपन था और शियोल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिल रहा था. हर एक पेशेंट को क्विट 19 के नाम से जाना जा रहा था और उधर ना मेडिसिन है ना डॉक्टर्स अवेलेबल है शियोल हॉस्पिटल में. सुबह पेशेंट जाने के साथ शाम तक उसका रिजल्ट डेथ मिल रहा था क्योंकि उसका मैं आई विटनेस हूँ. हमारे भाई की तबीयत ख़राब हुई थी 12 इमाम माली मोहल्ला के सदर थे और सैटरडे सुबह 9:30 बजे ले जाके मैंने एडमिट किए थे. फिर उनका ट्रीटमेंट चला तो स्लैब चेक करने के बाद मैंने बोला उनको नमूना टेप हुआ है उसकी दवा दो. अगर आपके पास दवा मेडिसिन नहीं है बाहर से लिख के दो. बाहर से भी उन्होंने नहीं लिख के दिए और वो स्लैब का चेक होने के बाद उसका रिपोर्ट आने के बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे ऐसा उधर के डॉक्टर बताया. और वो जो डॉक्टर थे सियोल हॉस्पिटल में वो पीजी थे वो सीखने वाले डॉक्टर थे वाड़बई थे. उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट करना नहीं आ रहा था और ना सियोल हॉस्पिटल के अंदर ना सैनिटाइज़र था ना डिस्टेंस एक बेड के बाजू दूसरे बेड पर 2 फुट का भी फासला नहीं था और एक पेशेंट के साथ 2-3 जने आदमी बीमारी लगाकर बाहर आ रहे थे और उधर ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा था. और वहाँ जाने के साथ शाम तक उस पेशेंट का रिजल्ट डेथ हो रहा था. तो ये बेलगाम के अंदर बहुत ख़राब दहशत फैली हुई थी. ये दहशत को कम करा दिए अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर राजू आसिफ सेठ ने ये फ्री मेडिकल कैंप उज्जवल नगर अमन नगर गांधी नगर वीरभद्रा नगर खंजर गली दरबार गली ये सब ये जितने भी हमारे डॉक्टर्स है ये डॉक्टर के मेहरबानी इन्होंने आकर अंजुमन से रابطہ कायम किया अंजुमन वाले उनके से रابطہ कायम किया